हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ला रहा हूं ग्लोबल T20 2019 के फर्स्ट मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा टोरंटो नेशनल्स वर्सेस वैंकूवर नाइट्स के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 25 जुलाई की रात को 10 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा कैनेडा के ब्रैम्पटन और एंटन में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं वैंकूवर नाइट्स की बल्लेबाजी में डालूं तो उनके बाद द ग्रेट क्रिस गेल, रेसी वैंडरसन, शोएब मलिक, जे स्मार्ट्स, आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। और पता नहीं आंद्रे रसल खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 सीरीज़ हो रही है उसमें सेलेक्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो उनके पास दूसरे बल्लेबाज हैं वह हैं आपके ऑलराउंडर डैनियल सैम्स, जे स्मिथ्स, कैड्रिक वॉल्टन जैसे बल्लेबाज दोस्तों। वहीं अगर मैं टोरंटो नेशनल की बल्लेबाजी पर नजर डालूं तो उनकी टीम में भारत के शानिवराज सिंह, ब्रेंडन मैकलम, कैरन पोलार्ड, हेनरी क्लासन है दोस्तों। और अभी भी कैरन पोलार्ड का भी खेलना तय नहीं है, क्योंकि उन्हें भी इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के T20 सीरीज़ में चुना गया है। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में वैंकूवर नाइट्स का पल्ला भारी लग रहा है क्रिस गेल और शोएब मलिक की वजह से। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं टोरंटो नेशनल्स की गेंदबाजी पर नजर डालूं तो उनके पास जो गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट, संदीप लक्ष्माने जो कि एक बेहतरीन, दोनों ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और जो तीसरे गेंदबाज हैं वह गुलाम शबीर, जेरेमी गॉर्डन जैसे गेंदबाज और मार्क मॉन्टफोर जैसे गेंदबाज दोस्तों। वहीं अगर मैं वैंकूवर नाइट्स की गेंदबाजी पर नजर डालूं तो उनके पास अली खान है दोस्तों। अली खान एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं अमेरिका के, और बहुत टैलेंटेड गेंदबाज हैं। और जो दूसरे गेंदबाज हैं वह हैं टिम साउदी ये, और डैनियल सैम जो कि गेंदबाजी भी करा सकते हैं काफ़ी अच्छी, रियान पठान, हर्ष ठक्कर जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो भले ही बल्लेबाजी में वैंकूवर नाइट्स का पल्ला भारी हो, पर गेंदबाजी में मुझे टोरंटो नेशनल्स का पल्ला भारी लग रहा है। अब आइए ये जानते हैं कि मैच कौन सी टीम जीतेगी। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और जो मैच विनर होगी मेरे हिसाब से वैंकूवर नाइट्स ये मैच जीतेगी। वैंकूवर नाइट्स विल विन दिस मैच। अगर आप लोगों को लगता है कि वैंकूवर नाइट्स नहीं टोरंटो नेशनल्स ये मैच जीतेगी तो आप टोरंटो नेशनल्स के साथ जा सकते हैं। मैं तो वैंकूवर नाइट्स के साथ जाऊँगा इस मैच में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जो इन दी एंड आपको मैच प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।